ये जो काला कानून आने वाला है इसको सबको परेशानी होगी। सब काला कानून जिसको आप कह रही हैं सीए, वो देश में लागू हो चुका है, क्या दिक्कत हो रही है आपको, इस देश के नागरिकों को क्या दिक्कत? मैम सीए जो बोला है बाहर से आने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी, यहाँ पे इतने सारे लोगों को तो रोजगार मिल नहीं रहा, बाहर से लाकर के लोगों को क्या देंगे खाने के लिए? यहाँ पे तो लोग ये परेशानी है कि दूसरे देश के लोगों को इसलिए नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए कि रोजगार नहीं। मैम पहले अपने घर के लोगों को तो देखो, फिर बाहर के लोगों को देखो, पहले यहाँ पे जो लोग हैं इनको तो नागरिकता फिर रोजगारी दी जाएगी। आप बताइए, चलिए ठीक है, आप लोग उनको डांटिए मत ना, सबको अपनी अपनी, अरे डांटिए मत, सबको अपनी बात बोलने दीजिए ना अपने हिसाब से। आप बोलिए, आइए, आप आइए, आप कहाँ से? मैं जसोला से हूँ। रोज आती हैं? डेली। मेरा क्या नाम है? गुलसुनहरा बेगम। गुलसुनहरा बेगम, गुलसुनहरा जी। अच्छा गुलसुनहरा बेगम जी, ये बताइए कि अब तो ये वाला सीए कानून तो लग चुका है, एनआरसी सरकार ला नहीं रही है, तो आप कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे? कोर्ट भी कह रहा है कि रोड पे प्रोटेस्ट करना ठीक नहीं है, ट्रैफिक की बहुत दिक्कत हो रही है, एम्बुलेंसेस, स्कूल बस। दिल्ली में कौन सा जाएगा, ट्रैफिक नहीं है, ये पहले आप बताइए मुझे। जब हमारे हस्बैंड लोग के जब ऑफिस में से छुट्टी होता है, वो लोग दो घंटे बाद क्यों आते हैं? ट्रैफिक की वजह से ना, जब मैं स्कूल छोड़ने जाते हैं, बच्चे का हैंड ओवर करने जाते हैं, मुझे दो घंटे टाइम एक्स्ट्रा लेकर घर से निकालने पड़ते हैं। वो ट्रैफिक जाम नहीं है, सिर्फ हम आधा किलोमीटर जो संत के अंदर जो बैठी हुई, इसके लिए सबके परेशानी हो रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट भी तो गवर्नमेंट से भी पूछ सकते हैं, जो वो दिल्ली का सारा सुलूक करे, जो सारा जाएगा जाम खत्म कीजिए। अच्छा आप ओरिजिनली कहाँ की रहने वाली हैं? मैं वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल, मैं हूँ 93 से। 93 से पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। अच्छा, और लगातार प्रोटेस्ट में आ रही है कितने दिन से? मैं 2 महीने से ऊपर हो गया, आज 2 महीने 7 दिन हो गए मुझे आते आते। ठीक है, आप बताइए। मैं यहीं से हूँ, साइन बाग से। आप कितने दिन से बैठ रही? हम तो वही 2 महीने हो जाएंगे, हो गए। हाँ 14-15 तारीख से बैठे हम। भाई ये सवाल जो मैं उनसे पूछ रही थी कि आखिर सरकार ने सीए तो लागू कर दिया है, ये देश के नागरिकों के लिए तो है ही नहीं, लागू हो चुका है ये कानून, आपको इनको उनको इसको किसी को कोई खतरा नहीं है? जैसे सीए लागू हुआ ऐसे वो और चीजें भी लागू हो जाएंगी, हो जाएंगी कि डर से आप बैठे हुए हैं बच्चों को यहाँ सुलाए? हाँ इसमें डरने की क्या जरूरत है? अगर हमारे हम कागज कहाँ से लाएंगे जब हमारे पास कागज नहीं, तो आपसे कागज कौन मांग रहा है? क्यों नहीं मांगेंगे? मांगेंगे, वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि कौन सा डर है ये, कौन कागज? देखिए सीए से भी हमारे संविधान पे खतरा है, हम पे खतरा है, पूरे मुल्क पे खतरा है। संविधान को कौन सा खतरा है? कानून देश में लगा हुआ है। अमित शाह जी ने यह बोला था कि एनआरसी लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा, उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं लागू होगा। बात प्रधानमंत्री ने साफ किया कि हमारी सरकार ने अभी इस पर कुछ काम नहीं किया। कौन झूठ बोला कौन सच बोला ये पता नहीं, लिखित में देना कि लागू नहीं होगा।